हम लोग अभी भी क्लोज वॉच रख रहे हैं क्योंकि सिचुएशन इज अ फास्ट चेंजिंग ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन। और ऐसा नहीं है कि एनडीआरएफ की ड्यूटी या किसी भी एजेंसी की ड्यूटी साइक्लोन के परिप्रेक्ष्य में खत्म हो जाती है साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद। इनफैक्ट साइक्लोन के लैंडफॉल के बाद काम एक्चुअली शुरू होता है और साइक्लोन के पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन में रिकवरी रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है। तो दिस इज अ लॉन्ग हॉल और अभी हम लोग ये कहा जाए कि 24 घंटे से ज्यादा का समय का अंतराल हम लोग जहन में रख रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। हम लोग जो दो हमारे कमांडेंट्स हैं, उड़ीसा में बटालियन है और बंगाल में बटालियन है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों ही स्टेट में बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं। दोनों के कमांडेंट्स, एक उड़ीसा वाले कमांडेंट बालासोर में कैंप कर रहे हैं और बंगाल के कमांडेंट काकद्वीप में कैंप कर रहे हैं जो साउथ 24 परगना जिला में है, जो कि स्टॉर्म के पाथ में है। कुल अभी तक 20 टीमें जो उड़ीसा में लगी हुई थी, 20 टीमें जो रिजर्व में भी थी वो भी अब ग्राउंड पर आ गई हैं। चार टीमें, कल मैंने आपको बताया था 16 टीमें लगी हुई थी और चार रिजर्व में थी, अब 20 की 20 टीम डिप्लॉयड है और ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। रिजर्व में कुछ नहीं रखा गया है क्योंकि अब काम का समय आ गया और इवैक्यूएशन का समय हो चला था, इसलिए उसमें लगाया गया था। इवैक्यूएशन के बारे में मैं बताऊंगा आगे। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में लगी हुई हैं और दो टीमें स्टैंडबाय में है, दो में से और एक टीम कैलकटा में बुलाया गया है क्योंकि कैलकटा जो नगरीय क्षेत्र है, जो अर्बन एरिया है, उसमें उनको लगाया गया है। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और QDA है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेटअप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, होल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक, कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होंगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मानसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है दोनों राज्यों को मिलाते हुए, कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि दो ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है, ये भी आप देख सकते हैं, कर्वेचर के साथ है, कोस्ट से सटा हुआ है और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर जरूरत पड़े, कोई जरूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही जरूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी जरूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में अगर डेवस्टेशन ज्यादा हो, तो 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंडबाय में है एयरलिफ्ट के लिए और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है, इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफी हुआ है और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में है, सभी टीमें ग्राउंड पे है, सभी टीमें आउटसाइड हैं साइक्लोन एरिया में एंड रोड क्लियरेंस और रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है। ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है, स्टेट के जो अथॉरिटीज ने बताया है, पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज ने, उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया 5 लाख से ऊर्ध्व फिगर अभी हो चुका है, सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है।